हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल किचन रनवे 90 में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे हेल्दी चने की दाल और लौकी की सब्जी, वो भी बहुत ही क्विक स्टाइल में और बहुत ही सिंपल स्टाइल में। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और इस पर मैं लगाऊंगी एक छौंका अलग से, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा निखर कर आएगा। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, मैं आपको इंस्टेंट रेसिपी बता रही हूँ, बहुत मज़ा आएगा। इसमें हमने 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसमें हम जीरा डालेंगे, जीरे को हम क्रैकल होने देंगे। पिंच ऑफ हींग डाली है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, ये एक बड़ी साइज का प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब इसे हम लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे, इसे हमें काला नहीं करना है, लाइट कलर का चेंज हो इसमें बस तभी तक हमें ऐसे भूनना है। अब जब ये प्याज भून गई है, देखिए प्याज का कलर अलग हो चुका है, लाइट पिंक जैसे में आ चुकी है ये। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ये 3 टमाटर हैं, ये मेरे पास छोटी साइज़ के टमाटर थे इसलिए मैंने 3 लिए हैं, अदरवाइज़ 2 टमाटर आपको चाहिए थे बड़े साइज़ के इसमें। अब टमाटरों को गलाने के लिए इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब जब टमाटर गल जाएंगे अच्छे से, इसे पहले मिक्स कर देंगे। अब टमाटर गल चुके हैं, तब मैंने यहाँ पर ये आधी कटोरी चने की दाल ली थी जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था। ये भीग चुकी है, अब 2 घंटे पहले हुई भिगोई हुई दाल को मैं अब इस सब्जी में डालने वाली हूँ और इसे मुझे भूनना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। आप इस दाल को गलाकर जरूर रखें वरना सब्जी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। गली हुई दाल को आप सब्जी में डालेंगे तो तेल जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मीडियम फ्लेम पर अब इसमें हम डालेंगे मसाले। यह है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने डाला है यहाँ पर। आप चाहें, अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं, ऑनियन नहीं खाते हैं, तो आप स्किप करके भी बनाएंगे तो भी आप देखिएगा इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हरा धनिया का पाउडर। उसके बाद डालेंगे इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे कर देंगे मिक्स। ये जो सब्जी है ना, चने की दाल और लौकी की, बहुत ही हेल्दी सब्जी है, बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। अब इसके बाद डालेंगे इसमें हम लौकी। लौकी को मैंने वॉश करके, ड्राई करके उसको पील किया था और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस में मैंने उसे कट किया था। तो मैं कह रही थी कि जो बॉटल गार्ड होती है, लौकी होती है, वो बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप इस तरह से अगर सब्जी बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे भी इस सब्जी को खाना ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि ये हल्के से तड़के वाली सब्जी बनाऊँगी मैं इसको। अब इसमें हम 2.5 गिलास पानी डालेंगे। ये जो लौकी है, ये 1/2 किलो लौकी थी। अब पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 फ्लेम आने तक कुक करेंगे। जी हाँ, 5 से 6 फ्लेम आने दीजिएगा, क्योंकि चने की दाल को पकने में टाइम लगता है। ये देखिए कुकर मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी सब्जी का टेक्सचर किस तरह का है। ये देखिए, अभी इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, लाल मिर्च अब मैं तड़के में डालूँगी। तड़का बनाने के लिए मैंने तड़का पैन में 1 चम्मच तेल लिया है। तेल में इसमें जीरा डालूंगी मैं 1/2 चम्मच। जीरे को मैं अच्छे से क्रैकल हो जाने दूंगी। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इस तड़के को हम जब इस सब्जी में डालेंगे तो ये सब्जी का जो कलर है, जो इसका फ्लेवर है, वो और ज़्यादा निखर कर आएगा। तो अगर आप इस तरह से सब्जी बनाकर ट्राई करते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे इस सब्जी को बहुत इंजॉय करके खाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ तड़का लगाने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हल्का सा रेस्टोरेंट जैसा टच देने के लिए मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी। 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैं इस तरह से पाम की मदद से घिस के अब मैं इसमें डालूँगी और मैं इसे मिक्स कर दूँगी। और ये जो आपकी चने की दाल और लौकी की सब्जी है, जिसे लौकी का नाम आते ही हम सब्जी खाना अवॉइड करते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा, सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी। और ये आपकी सब्जी हमने सर्व कर दी है, आप इस सब्जी को राइस के साथ, रोटी के साथ एंड पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।